अभी इंटरनेशनल और भी जगह के खिलाड़ी इस चीज़ को देख रहे होंगे, तो वो क्या सोचेंगे, क्या छवि बनेगी देश की? ना जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया लेवल, इतने ऊपर लेवल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही, हमारी आपकी क्या सुनी जाएगी? बिभूषा सरर जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। आप कैसे जानते हो? सर हम उनको जानते हैं, उनसे मिले भी हैं सर। अच्छा, हम एक क्रिकेटर है। बृजभूषण जी बीजेपी के हैं जी, और बीजेपी में पता ही आपको उसकी ऐसे ही सुनवाई नहीं होनी। हमारा तो जुडिशियरी सिस्टम ऐसे भी स्लो ही है, कभी कभी सर आरोप गलत भी लग जाता है। को वेट थोड़ा करना चाहिए ना रिजल्ट आने का, ऐसे तो मतलब कुछ भी किसी पे भी एक्यूज नहीं कर सकते किसी को भी। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त खिलाड़ी धरना देने को मजबूर हैं। कई दिन हो गए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि भारतीय कुश्ती महासंघ जो कि बृजभूषण शरण सिंह हैं, उन पर जो आरोप लगे हैं कथित तौर पर, नाबालिग समेत कई लड़कियों के साथ जो उन पर आरोप लग रहे हैं, और उनकी मांग है खिलाड़ियों की कि इनका इस्तीफा लिया जाए और इस मामले में एक्शन लिया जाए, कोर्ट से उन्हें उम्मीदें हैं। और क्या क्या मामला जो चल रहा है, सारा मामला आज हम जनता के बीच लेकर आए हैं और जनता से पूछते हैं कि आखिर जनता इस मामले को कैसे देखती है, क्या इस मामले में क्या होना चाहिए, खिलाड़ी सही हैं या गलत, उनकी मांगों को वो कैसे देखते हैं, आइए बात करते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम नवनीत सिंह है। सिंह साहब कैसे देखते हो? बस ये है कि जाँच होनी चाहिए जो भी चीज़ें हो रही हैं, और उसका फिर जो भी रिजल्ट आता है फिर उसके अकॉर्डिंग जो है सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ऐसे तो किसी की बात सच नहीं हो सकती, या वो बोल रहे हो या आप प्लेयर्स बोल रहे हैं, तो उन दोनों में जो चीज़ें सही निकलेंगी, जो भी हमारी कोर्ट है वो जो बताएगी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए डिसीजन। लेकिन नवनीत जी एक दो खिलाड़ी नहीं है, कई पहलवान हैं, और अब उनको समर्थन भी मिल रहा है। आज जो है नीरज चोपड़ा भी उनके समर्थन में आ गए, कह रहे हैं कि आखिर ये अगर ये बैठे हैं तो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए। हाँ तो इंसाफ के लिए तो मैं एक आदमी के बोलने से नहीं होगा ना, वो तो गवर्नमेंट है तो जो कोर्ट डिसाइड करेगा या जो भी चीज़ें होंगी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब ऐसे तो बहुत लोग 100 लोग बोल सकते हैं, 100 लोग उनके सपोर्ट में भी आ सकते हैं, तो जो हमारा कोर्ट है वो डिसाइड करेगा या जो भी गवर्निंग बॉडी जो इस चीज़ को हैंडल करेगी। चलिए आइए और लोगों से यहाँ बात करते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिनव। अभिनव जी कैसे देखते हो इस पूरे मामले को, जो खिलाड़ी आज सड़कों पे धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं, अपनी न्याय की मांग कर रहे हैं, कई दिनों से गुहार लगा रहा है, उनका यह आरोप है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा, FIR भी दर्ज नहीं हो रही है। इसके लिए तो पहले उनको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, धरना देने से थोड़ी कोर्ट में चल रहा है मामला, सुनवाई भी होने वाली है। तो फिर इनको वेट थोड़ा करना चाहिए ना रिजल्ट आने का, ऐसे तो मतलब कुछ भी किसी पे भी एक्यूज़ नहीं कर सकते किसी को कि क्या कर रहा है, किसने क्या करा, जब तक कंप्लीट ना हो इनका प्रोसीडिंग कंप्लीट ना हो तब तक ऐसे कैसे जवाब दे सकते। सर आरोप लग रहा है कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पे। हाँ तो आरोप तो यार मेरे पे आप पे किसी पे भी कोई भी लगा दे कुछ भी के लिए, तो फिर इसका मतलब समाधान क्या है? इसके लिए वही करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा बंदे को। अच्छा आरोप कोई भी लगा दे, लेकिन दूसरा आरोप ये है खिलाड़ियों का कि जो भी पीड़ित है ना इस मामले में उनको पैसों का लालच दिया जा रहा है। अगर आरोप बेबुनियाद हैं तो पैसों का लालच क्यों दिया जा रहा है? तो फिर इसमें तो कुछ तो गड़बड़ होगा इंटरनली, कुछ इनका चल ही रहा होगा दिक्कत जी, तभी तो पैसों की बात की जा रही है। अगर फैक्ट होता कि ऐसा है, इनके साथ ऐसा हो रहा है, मतलब इन पे आरोप लगा है जो वो सही है, तब तो फिर पैसे तो नहीं दिए जाते, फिर कि पैसों का लालच दिया जाता है। हाँ अच्छा लगता है कि खिलाड़ी आखिर क्यों देश का सम्मान बढ़ाते हैं यार, मेडल लाते हैं और इतने दिन हो गए और सपोर्ट में नेता आ रहे हैं, लेकिन बात नहीं सुनी जा रही है? बात ऐसे मतलब हमारा तो जुडिशियरी सिस्टम ऐसे भी स्लो ही है, अब किसी भी पार्टी को जब उनके लिए स्लो है तो आम आदमी को सर कितनी उम्मीद होंगी? सबके लिए ही स्लो है, अब क्या ही कह सकते हैं इस पे तो पूरा जुडिशियरी सिस्टम को ही चेंज करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी नेताओं पे उंगली उठ रही है इसलिए मामला थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है? ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि पहले भी हमारा अगर देखा जाए तो जो करप्शन चार्जेस लगे थे कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसका भी जो रिस्पॉन्स आया जुडिशियरी सिस्टम से वो भी काफ़ी लेट आया, उस टाइम तो बीजेपी गवर्नमेंट थी नहीं पावर पे, तो एक पार्टी के सपोर्ट में तो ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने सरकार तो उस टाइम पे कांग्रेस की थी ना, और कांग्रेस के मंत्री पे आरोप लगाता है, इसलिए जिसकी सरकार होती है तो मामला ऐसे ही चलता है फिर। तो फिर ये कह सकते ये तो मतलब ऐसा भी कह सकते कि हर सरकार के लिए ढिलाई देती है। सर बहुत देर से मुस्करा रहे हो, क्या नाम है? सर मेरा नाम सुमित सिंह है। क्या कहना चाहते हो? सर देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बृजभूषा सरर सिंह को इल्ज़ाम लगा है, जो आरोप लगा है जी, वो तो मैं अभी उनके समर्थन में मैं हूँ। अच्छा। और उनके समर्थन में भी आप और मैं आज सुबह मैं न्यूज़ देख रहा था कि नीरज चोपड़ा जी उनके समर्थन में आए हैं,
सोचिए नीरज चोपड़ा जी जब उनके समर्थन में आए हैं, नीरज चोपड़ा जी देश के कॉमनवेल्थ में पहले स्थान पर उन्होंने गोल्ड मेडल लाया। सोचिए अगर वो व्यक्ति देश की सेवा करने के लिए बिजभूषा शरण जी का समर्थन दे रहे हैं। अच्छा। हम ये नहीं कहते कि उनका आरोप सही है या गलत है, हो सकता है वो सही है, हो सकता है भी नहीं सही है, लेकिन जब ये मामला कोर्ट में गया है, जब हम कोर्ट का वेट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि नीरज चोपड़ा उनके समर्थन में नहीं, खिलाड़ियों के समर्थन में आए। हाँ नीरज, वही तो जी। अभी आप बोल, नीरज चोपड़ा जी खिलाड़ियों के समर्थन में, बात सही है। और बिजभूषा शरण जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। आप कैसे जानते हो उन्हें? सर हम उनको जानते हैं, उनसे मिले भी हैं सर। अच्छा। हम एक क्रिकेटर हैं। अच्छा जी। तो वो खिलाड़ी यार वहाँ पे प्रदर्शन पर हैं, आप यहाँ पार्क में घूम रहे हो, आपको भी होना चाहिए उनके साथ शामिल। सर देखिए, हर व्यक्ति हर समय पर नहीं पहुँच सकता। अच्छा। हर व्यक्ति का कोई रूल है। हाँ। मैं क्रिकेटर था, अब क्रिकेट थोड़ा मैं अपना क्रिकेट छोड़ गया हूँ, कुछ अलग। अच्छा, कुछ तो वो जो खिलाड़ी हैं सब उनके आरोप बेबुनियाद हैं? देखिए सर, आरोप बेबुनियाद है या नहीं है अभी कोर्ट में मामला है। कोर्ट जब फैसला दे देगी तो सब सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी सब कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा, तो आपने कहा ना कि वो अच्छे आदमी, अगर अच्छे आदमी है तो कोई गलत काम नहीं कर सकते। सर देखिए, अच्छे आदमी गलत काम भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो उनके ऊपर होते हैं, लेकिन कभी कभी सर आरोप गलत भी लग जाता है। ये तो जांच का विषय है ना जी, जांच में पता चलेगा सही है या गलत है। देखिए जांच के विषय है, अगर वो गलत किए होंगे तो सर उनको सजा मिलेगी, अगर गलत नहीं किए होंगे सजा नहीं मिलेगी। या यहाँ पे और लोग हैं, और मौजूद लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? सर क्या नाम है आपका? दिलदार साहब। सर कैसे देखते हो खिलाड़ियों के इस मसले को जो अभी जंतर मंतर पे हो रही है? जी जी बिल्कुल सर। देखो पहले से ही चल रही है, नहीं तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने आरोप लगाया है वो छोटे मोटे लोग तो है नहीं, नेशनल लेवल के खिलाड़ी। बिल्कुल। और नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं जब कह रहे हैं तो उस पर जाँच होनी चाहिए। और देखो मसला यहाँ है कि बृजभूषण जी बीजेपी के हैं जी, और बीजेपी में पता ही आपको उसकी ऐसे ही सुनवाई नहीं होनी। अगर वो आम आदमी पार्टी का होता, बीजेपी में सुनवाई नहीं होती। एक सेकेंड, आपने बोल लिया, मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी बोलना ही के करके मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद बोलना। अगर वो बीजेपी का नहीं होता जी, किसी और पार्टी का, सीबीआई जाँच करती, ये बात आप भी जानते हो। सीबीआई जांच करती उसकी, मैं आपके पास भी आऊंगा, आप बस दो। ऐसा नहीं है बीजेपी के राज में सुशांत सिंह राजपूत सपूत को कुछ नहीं हुआ था, केस सब दब गया। महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत वो भी कुछ नहीं हुआ, केस सब बीजेपी की सरकार थी। अब बताइए आप, जब अब है, अब क्या हो रहा है उस मामले में? क्या अब कुछ नहीं हो गया, मामला सब खत्म हो गया सर। महाराष्ट्र सरकार थी सर, उद्धव ठाकरे सब फर्जी मामला निकला, कुछ नहीं निकला। अब तो सरकार है क्या सर? यही तो वो चीज, वही कह रहा हूँ ना भाई, सुसाइड निकली ना, सीबीआई जांच करा कि सुसाइड ही थी, ये तो नहीं था ना कि मर्डर हुआ था जी, ये मर्डर बताओ तो सुसाइड कैसे कह दी सीबीआई। अच्छा, आज का मुद्दा जो है वो खिलाड़ियों का है सर, लगता है आपको कि हाँ भाई कि जो मामला चल रहा है सुनवाई होनी चाहिए? वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, पुलिस अधिकारी जो है वो मिले हुए हैं या फिर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, जांच कमेटी बैठती है तो रिपोर्ट हमसे छीन ली जाती है। देखो जो वो बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, छोटे मोटे लोग नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो छोटे मोटे लोग नहीं है, उनकी बातें सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। जाँच भी होनी चाहिए और काफ़ी ऊँची स्तर का जो जाँच हो वो होने चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं, उनके साथ हुआ क्या है। बीच में सुना था मैंने कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह में सुनवाई हुई थी जी, है आज, आज है जी, तो देखो क्या निर्णय निकलता है। अच्छा, आरोप ये लग रहे हैं कि भाई जो थोड़ी ना ढिलाई बरती जा रही है। हाँ, देखिए संघ है बृजभूषण शरण सिंह, अपने आप में एक बड़ा नाम है, बड़ा उन नाम पर आरोप लग रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो पीड़िताएं इस मामले में नाबालिग समेत हैं, उनके नामों का खुलासा नहीं करा, खिलाड़ियों ने किसी भी नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन जो संघ के अधिकारी हैं वो सब उनके घर पहुंच गए, उन्हें धमकाने, उन्हें पैसों की रिश्वत देने और बस कैसे भी करके केस वापस लो। ये तो देखो जी, ये तो फिर मनमानी है उनका। अब बृजभूषण जी के बारे में ज़्यादा तो मुझे आइडिया नहीं है, एक वीडियो मैंने उनकी देखी थी जो कोई पहलवान था जो थप्पड़ मारे थे उन्होंने, हाँ वो देखी थी, तो ये गलत कहीं ना कहीं गलत था, इनका भी जांच होना चाहिए। और जो भी निकल के आएगा वो अच्छा ही होगा, जो निकल के आएगा, जो निर्णय लेगी सुप्रीम कोर्ट वो अच्छा ही लेगी। अच्छा, क्या लगता है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? अगर साबित होता है तो दे देना चाहिए। वो तो पूरे चौड़ के कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ, अगर मैं दोषी साबित हो गया तो मैं मरना पसंद करूंगा, या फिर ये अभी वीडियो भी आया उनका सामने, फिर कह रहे हैं कोर्ट है इस मामले में, मैं कुछ नहीं बोल रहा।
हाँ कोर्ट है, जांच चल रहा है, फिर कोर्ट जो भी निर्णय लेती है, क्योंकि वहाँ पे जो एविडेंस होंगे वो पेश होंगे, जो भी होगी दोनों तरफ से होगा, अगर साबित होता है फिर दे देना चाहिए उन्हें। लेकिन बात यह है कि खिलाड़ियों की, कि आखिर खिलाड़ियों की जब नहीं सुनी जा रही तो किसकी सुनी जाएगी? अब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया लेवल, इतने ऊपर लेवल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही, हमारी आपकी क्या सुनी जाएगी? तो मान लिया जाए कि हाँ थोड़ी कमी है, थोड़ी कमी है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो हल निकल जाएगा। लेकिन सरकार तो बोलती है कि यहाँ सबकी सुनवाई होती है, आज हमारा देश सशक्त बन रहा है, हर आदमी की सुनवाई होती है, कैसे एक छोटे से ट्वीट से बड़े बड़े अधिकारियों पे एक्शन ले लिया जाता है? देखो सुनवाई होती है, बहुत होता है। अभी हाल ही में जो अतीक अहमद का पूरा हुआ, 49 दिन में हम धूमनगंज चौराहा में उमेश पाल की हत्या हुई, 49 दिन में पूरा केस रफा दफा हो गया सर, सुनवाई हुआ तो बताइए। अब चल कब से रहा था सर? चल तो रहा था 2-3 साल से, 5 साल से, 10 साल से, लेकिन जब उमेश पाल हत्याकांड 49 दिन में हुआ फर्स्ट दिन से, फिर 49 दिन में जी सर सही हुआ, हर अपराधी का यही जी सर जी, चाहे वो हिंदू हो चाहे सर। देखिए सर, देखिए कोई भी अपराधी सर, मेरी बात सिर्फ अपराधी जी, कोई भी अपराधी हो ऐसी होनी चाहिए। ऐसे कितने और अपराधी हैं जो जेल में होंगे सर? जितने भी अपराधी होंगे उनको मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार कर रही है। ऐसे कितने अपराधी होंगे जो सरकार में बने बैठे होंगे सर? देखिए चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, जैसे पार्टी की बात नहीं की मैंने आपसे, कहा कि ऐसे कितने अपराधी होंगे जो आज नेतागिरी में मंत्री पद लेके बैठे होंगे, उन पे एक्शन होगा? क्यों नहीं होगा सर? कितनों पे एक्शन हुआ बताइए? हुआ है सर, क्यों नहीं हुआ है? अगर वो गलत है तो हुआ है। टैनी का नाम जानते हैं? जी सर, अजय मिश्र टैनी। जी 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 जी, गाड़ी का वीडियो देखा होगा कैसे किसानों को रौंदा था, किसान कहते कहते चले गए कि इनका इस्तीफा दो, लेकिन हुआ कुछ? सर देखिए बात, आप अजय टैनी की बात कर रहे हो तो बात आप सलमान खान की भी कर लीजिए ना। जी जी, सलमान खान जब अपनी गाड़ी चला रहे थे, हिरन को शिकार मतलब जी, जो जी, हुआ जी। था अभी भी मामला रोज कोर्ट जाते हैं, बेल हो जाता है, कोर्ट से बेल हो जाता है, क्योंकि तो कोर्ट लोग कोर्ट, देखिए सर हमारी बात सुनिए, बड़े लोगों का ऐसे ही होता है, बड़े लोगों का ऐसे ही होता है सर। मान लीजिए ये बात नहीं है, बड़े लोग छोटे लोग का भी सुनवाई होती है भैया, छोटे लोग का भी सुनवाई लोगों से यहाँ जानते हैं। सर क्या नाम है साहब आपका? सैफ नाम है मेरा जी। सैफ नाम है। सैफ साहब कैसे देखते हो इस मुद्दे को, जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं सुनी नहीं जा रही है, संघ के अध्यक्ष हैं, बीजेपी सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर आरोप लग रहा है? इवन के वो तो काफ़ी टाइम से 3-1 महीने से मतलब ना इस, हाँ पहले हुआ था फिर बंद हो गया था, उन्हें आश्वासन दे दिया था, लेकिन अब वो दोबारा से आ गए। जी बिल्कुल आ गए हैं दोबारा से, लेकिन आज शायद हियरिंग भी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना उस चीज़ को लेकर, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। FIR दर्ज नहीं की जाती, ये आपका मेरा या कोई भी हो कहीं का भी हो, FIR सबका राइट है कि सबसे पहले FIR दर्ज की जाए, वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा नाम हो कितना भी छोटा नाम हो, लेकिन FIR सबसे पहले दर्ज। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं इसमें, वो भी आ गए, खट्टर हुड्डा भी आ गए, कल अरविंद केजरीवाल जाने की भी उनकी भी खबर है। अच्छा ऐसे मामले, इतने बड़े बड़े नेता इसमें आ रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, उसके बाद भी इनकी मांग नहीं सुनी जा रही है सर? ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको ना मतलब कि मतलब दबा दिया जाता है, या मतलब उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। अभी वो हमारे जो मतलब जम्मू कश्मीर के एक्स मिनिस्टर थे जी, उन्होंने बोला कि मतलब पुलवामा को लेकर बोला, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। और मतलब सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक जी 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 जी, डिग्री आई थी अभी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री आई थी वो, मतलब कि उस पर कोई बात नहीं हो रही है। बात हो रही है तो राजनीति की बात हो रही है, वोट की बात हो रही है ना। मतलब अभी आप देखें तो अमित शाह जी का बयान था कर्नाटक में कि हम वो 4% मतलब रिजर्वेशन भी ख़त्म कर देंगे हम ना। अच्छा। कि मतलब ये पॉलिटिक्स को लेकर बात चल रही है सारी। इनको लेके क्या लगता है आपको, लगता है कि इस मामले में अगर जांच होगी तो कौन दोषी होगा या कुछ पता सर? ये तो जांच होने के बाद ही पता लगेगा, ऐसे किसी पे एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता, वो काम सुप्रीम कोर्ट का है, कमिटीज का है कि कैसे उस चीज़ को आगे प्रोसीड करना है। अच्छा लेकिन जब इतने आरोप लग रहे हैं तो लगता नहीं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है एक जाँच कमेटी बनाए? बनती है, बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है कि अगर किसी ने मतलब, और सांसद के ऊपर अगर ऐसा एलिगेशन लग रहा है, सांसद पे अगर मैं आपको बोलूं तो कितनी जल्दी निर्णय लिया गया राहुल गांधी के लिए, मतलब चट मंगनी और पट बिया वाला एग्जांपल में, यहाँ महीनों हो गए, यहाँ महीनों हो गए FIR दर्ज नहीं की जा रही, उनसे बंगला ले लिया गया, उनसे सारी चीज ले ली गई, मतलब उनको आगे जाने भी नहीं दिया गया। पैसे बोलोगे तो जनता बोलेगी कि कांग्रेस के सपोर्टर है। नहीं नहीं, मैं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे बात सही और गलत की है कि क्या सच है और क्या मतलब कि कैसे उस चीज को मतलब
यहाँ पे हमारे बेसिक राइट्स हैं कि FIR होनी चाहिए, या मतलब किसी भी चीज़ को अगर मैं बोलूँ कि जांच होनी चाहिए, मैं अगर कोई भी एलिगेशन किसी पे लगा रहा हूँ तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, ये राइट है, ह्यूमन राइट्स हैं ये। चलिए, अब लगता है कि हाँ इस मामले में अगर होगा तो कुछ निकलेगा खिलाड़ियों की बात, खिलाड़ियों ने देश का सम्मान बढ़ाते हैं, बाहर से मैच कर रहे हैं, हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना वो, मतलब अभी इंटरनेशनल और भी जगह के खिलाड़ी इस चीज़ को देख रहे होंगे तो वो क्या सोचेंगे, क्या छवि बनेगी देश की ना इस चीज़ को। लगता है कि जब ये बोर्ड में जैसी लड़कियों के साथ, महिला खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है तो उनके माँ बाप उन्हें इस फील्ड में आगे भेजेंगे जब ये लाइनें इन पर ऐसा दाग लग रहा हो? नहीं सर, कोई नहीं चाहेगा ऐसा ना कि मतलब कि उसकी मतलब माँ बहन के साथ, किसी के साथ, किसी के भी साथ मतलब इस तरीके का व्यवहार हो, तो फिर मतलब कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे इस चीज़ को लेकर। चलिए, ये थे कुछ जनता की राय जो अभी आपने देखी कि क्या होना चाहिए। बहरहाल मैं आपको बता दूं, आज इस मामले में सुनवाई हो रही है और अभी ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कोर्ट इस फैसले में क्या निर्णय लेता है। खिलाड़ी अभी भी जंतर मंतर पर बने हुए हैं, उनकी यही मांग है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका इस्तीफा, उन पर एक्शन, जो पीड़िता हैं उनको सभी को न्याय मिले, लेकिन अभी इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ है। खिलाड़ी अभी वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों के आगे, सरकार के आगे नतमस्तक हैं न्याय के लिए। कैमरामैन पवन के साथ राशिद, वन इंडिया, नोएडा।